हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। इससे पहले मैंने आपका डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले आपका ये इस टॉपिक तक मैंने डिस्कस किया हुआ था आपका, ये आपको मैंने ब्लॉक्स क्या होते हैं, इंडेंट्स क्या होते हैं, आपको मैंने डिस्कस किया हुआ था। पाइथन स्टाइल्स रूल्स एंड कन्वेंशंस, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट then you can ask me. Now students, we come to your this topic, variables and assignments. अब variables क्या होते हैं आपके, देखिए जैसे आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, तो आप प्रोग्राम बनाते हो तो आप लिखते हो ना, जैसे a की वैल्यू आपने ली 70, a की वैल्यू, b की वैल्यू 4, तो a एंड b क्या है आपके, वेरिएबल्स हैं आपके। तो वेरिएबल्स होते क्या है और एंड असाइनमेंट्स क्या होता है आपका, इसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या होता है। A variable in Python represents named location that refers to a value and whose values can be used and processing during program run. तो variables होते क्या होते हैं कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में आप लोग वेरिएबल्स का यूज करते हो। तो जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल इसने लिया, ये आपका न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल है। अब न्यूमेरिक टाइप में आपके सारे आ जाते हैं, इंटीजर्स हो आपके या फ्लोटिंग टाइप के आपकी हो या कॉम्प्लेक्स हो, सारे आपके किस में आ जाएंगे, आपके न्यूमेरिक में आपके आते हैं। तो आपने इधर एक वेरिएबल्स लिया मार्क्स इक्वल टू 70, तो वेरिएबल नेम क्या है आपका, मार्क्स है। अब उस वेरिएबल में आप क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हो, आप 70। अब होता क्या है वेरिएबल में कि मेमोरी में जब कोई वेरिएबल आप प्रोग्राम में कोई वेरिएबल आप क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो या क्रिएट करते हैं आप वेरिएबल को। तो आपने इधर वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स इक्वल टू 70, तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में वो 70 जो आपने वैल्यू दी इस वेरिएबल की, तो वो वैल्यू आपकी मेमोरी में कहीं स्टोर्ड हो जाएगी। मेमोरी चूंकि ब्लॉक्स में आपकी डिवाइड होती है, तो किसी मेमोरी के किसी ब्लॉक में जाके ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आपकी स्टोर्ड हो जाएगी। अब मेमोरी के जिस ब्लॉक में ये वैल्यू आपकी स्टोर्ड है, मान लीजिए ये वेरिएबल 70, ये वैल्यू आपकी 70 है, ये 70 वैल्यू मेमोरी के किसी ब्लॉक में जाके स्टोर्ड हो गई। अब मेमोरी के जिस ब्लॉक में वो वैल्यू आपकी स्टोर्ड हुई, उस ब्लॉक को हमने क्या दे दिया, एक उसका आपका नेम दे दिया या लोकेशन दे दी, कि उस लोकेशन का नाम दे दिया हमने क्या, मार्क्स। कि वेरी आपका मेमोरी के मार्क्स लोकेशन पे आपकी ये वैल्यू क्या हुई, आपकी स्टोर्ड हुई। तो मतलब क्या हुआ कि मेमोरी वैल्यू जो आपकी जो स्टोर्ड हुई आपकी किसी वेरिएबल में, या आप कह सकते हो कि जब आप किसी वेरिएबल को क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपकी मेमोरी के किसी ब्लॉक में जाके स्टोर्ड हो जाती है, और उस ब्लॉक को हम एक नेम दे देते हैं आपका, जो उस जो आप वेरिएबल का नेम रखते हो। जैसे इधर आपने रखा मार्क्स, तो मेमोरी के जिस ब्लॉक में आपने वैल्यू आपकी 70 स्टोर्ड हुई, उस ब्लॉक की लोकेशन को हमने क्या दे दिया, इधर मार्क्स। नाउ क्रिएटिंग ए वेरिएबल, वेरिएबल आप कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे वेरिएबल आपने इधर एक क्रिएट किया मार्क्स इक्वल टू 70, ये भी ये वेरिएबल है, उसके अंदर आपने वैल्यू क्या स्टोर करी, 70 वैल्यू आपने स्टोर करी। नीचे आपको देखिए एग्जाम्पल में, स्टूडेंट एक वेरिएबल लिया आपने, उसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इधर देखिए ध्यान दीजिएगा कि इधर सिंगल कोट्स के अंदर दोनों बंद किया हुआ है ना, तो सिंगल कोट्स के अंदर इसने लिखा हुआ है जैकब। सिंगल कोट्स आप यूज कर सकते हैं या आप यूज कर सकते हैं डबल कोट्स। तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू आप लेते हैं वो किस टाइप की वैल्यू होती है, आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आपकी होती है। तो इसमें आपका एक वेरिएबल आपने स्टूडेंट लिया, उसके अंदर वैल्यू आपने स्ट्रिंग टाइप की स्टोर करी, क्या, जैकब। दूसरा वेरिएबल लिया आपने एज, उसके अंदर एक आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 60। अब इसको इस डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए इधर लिखा हुआ है पाइथन विद इंटरनली क्रिएट लेबल्स रेफरिंग टू दीज वैल्यूज एज सोन बिलो। अब देखिए जैसे मान लीजिए स्टूडेंट था, स्टूडेंट वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ था ऊपर, स्टूडेंट की वैल्यू क्या दी हुई थी आपने, जैकब। तो ये देखिए आपका जैकब जो है आपका, ये मेमोरी का मान लीजिए आपका कोई ब्लॉक है, मेमोरी में स्टोर हुई वैल्यू जाके किसी जगह पे जैकब। अब उस लोकेशन पे, मेमोरी के जिस लोकेशन पे वैल्यू आपकी स्टोर हुई जैकब, उस लोकेशन का नाम क्या दे दिया आपने,
स्टूडेंट, क्योंकि आपने इधर वेरिएबल का नाम क्या दिया हुआ, स्टूडेंट, तो उस लोकेशन का नाम क्या हो जाएगा आपका, नेम क्या हो जाएगा आपका, स्टूडेंट। सेम थिंग नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए आप, कि आपने एज की वैल्यू क्या दी हुई है, एज वेरिएबल लिया हुआ है, उसकी वैल्यू आपने 16 डिक्लेयर करी हुई है, तो इधर 16 मेमोरी में कहीं स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू, और मेमोरी के जिस ब्लॉक में या जिस लोकेशन पे वो वैल्यू स्टोर हुई उसका नाम आपने क्या दे दिया, एज। सो इस तरह से वैल्यू आपकी आपकी क्या होती है, मेमोरी में आपकी स्टोर होती है, और जिस जगह पे वो वैल्यू स्टोर होती है तो जो आप वेरिएबल नेम लेते हो तो वो उस लोकेशन का क्या हो जाता है, मेमोरी के उस लोकेशन का वो नेम हो जाता है। एज नॉट इट्स सैंपल, ओके, लेट अस नाउ क्रिएट सम मोर वेरिएबल्स। अब जैसे एक वेरिएबल इसने ले लिया ट्रेन नंबर, ट्रेन नंबर इज इक्वल टू सिंगल कोर्स के अंदर टी हैज 1 2 3 4, इधर सिंगल कोर्स बंद किया इसने, तो किस टाइप का वेरिएबल होगा आपका, ट्रेन नंबर, वेरिएबल क्रिएटेड ऑफ स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग क्यों होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि सिंगल कोर्स या डबल कोर्स के अंदर कोई भी वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो दैट वैल्यू विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इधर एक वैल्यू वेरिएबल नेम लिया बैलेंस, उसकी वैल्यू देखिए आपका 23456.75, तो किस टाइप का वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्रिएटेड ऑफ न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक का मतलब आपको न्यूमेरिक में आपका इंटीजर भी आ जाता है, आपका फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल भी आपके आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है क्योंकि इधर डेसिमल लगा हुआ है। इस एक वेरिएबल इसने लिया रोल नंबर इज इक्वल टू 105, तो 105 किस टाइप का आपका, इंटीजर टाइप न्यूमेरिक है, तो वेरिएबल क्रिएटेड ऑफ न्यूमेरिक टाइप। तो स्टूडेंट होप आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल्स मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं। तो जो भी आप नेम किसी वेरिएबल का नाम दे दिया आपने, तो वो जो नेम होगा आपका वो वेरिएबल मेमोरी में जिस जगह पे स्टोर होगा उसकी लोकेशन को क्या करेगा, वो एक तरह से रेफर करेगा। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ कि लोकेशन और एड्रेस दोनों चीजें आपकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब जैसे मान लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपका घर है अतर्रा में, तो मैंने पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो आपने मैंने पूछा आपसे कि आपके घर की लोकेशन क्या है, किसी ने आपसे पूछा, तो आपने आंसर दिया कि सर मेरे घर की लोकेशन लखन कॉलोनी, और लोकेशन क्या है आपकी, आपने बता दिया कि लखन कॉलोनी है। अब एड्रेस अभी एग्जैक्ट नहीं बताया आपने, क्या बताया, लोकेशन बताई कि मेरे घर की लोकेशन लखन कॉलोनी है, और एड्रेस अगर मैं पूछता हूँ तो आप बताओगे कि मेरे घर का मकान नंबर ये है और इस जगह पे है, वो आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एड्रेस हो जाएगा। तो सेम थिंग इन द केस ऑफ वेरिएबल, जब हम कोई वेरिएबल क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल का जो भी नेम हम देते हैं तो वो क्या बताता है, वो मेमोरी की लोकेशन बताता है। अब जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट वेरिएबल है, इसमें आपने जैकब को क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, तो ये जैकब जो होगा मेमोरी के किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे या एड्रेस पे क्या होगा आपका, स्टोर होगा। तो मान लीजिए जैकब का एड्रेस मेमोरी का है 10002, तो वो तो आपका क्या होगा, उसका एड्रेस हो गया आपका, मेमोरी का एड्रेस हो गया कि मेमोरी के किस एड्रेस में ये जैकब वैल्यू हमारी क्या है, स्टोर्ड है। अब उस मेमोरी वेरिएबल का लोकेशन क्या है, उस लोकेशन का जो वेरिएबल नेम आप देते हो तो दैट इज कॉल्ड द लोकेशन। तो वेरिएबल हमेशा क्या बताता है कि आपकी मेमोरी में लोकेशन बताएगा कि आपने जो वैल्यू आपने किसी वेरिएबल में आपने स्टोर करी हुई है तो उस वैल्यू वैल्यू की मेमोरी में लोकेशन क्या है। और इस एड्रेस आपका अलग चीज है, एड्रेस मान लीजिए जैकब, मेमोरी के जिस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपका वो स्टोर होगा दैट इज कॉल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट, व्हाट इज वेरिएबल एंड what are the location and address of the variable. Now students, important चीज एक दी गई है इस पे आपका, variables are not storage containers in Python. If you have an earlier exposure to programming, you must be having an idea of variable, but Python variable are not created in the form most other programming languages do. अब जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स आपके क्रिएट होते हैं, पाइथन में आपका क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। एग्जांपल मैं आपका दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने क्या एज एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 15 ली, और दूसरा फिर आपने क्या किया, फिर एज वेरिएबल की वैल्यू आपने क्या कर दी 20। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट में एज की वैल्यू क्या 15 आपकी जाएगी,
फर्स्टली वैल्यू 15 इज असाइन टू वेरिएबल एज, ये जो 15 वैल्यू है किसमें असाइन हो जाएगी, एज में, फिर एंड देन वैल्यू 20 इज असाइन टू इट। उसके बाद आपने क्या क्या हुआ, इस एज की वैल्यू 20 ले ली, तो 20 वैल्यू आपकी किस एज में क्या हो जाएगी, आपकी असाइन हो जाएगी। अब ये जो एग्जाम्पल फिगर आपकी बुक में आप लोग देखिएगा कि ये ऊपर लिखा हुआ है आपका ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कि जो आपकी अभी तक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आपकी यूज हो रही थी, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जो लैंग्वेज आपकी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेज है जो अभी भी आपकी यूज हो रही है, लोग इस पर भी वर्क करते हैं, उसमें आपका वेरिएबल किस तरह से आपका क्रिएट होता है। तो जैसे मान लीजिए ये स्टेटमेंट आपने ऊपर लिखा हुआ एज इज इक्वल टू 15, अब ये 15 जो वैल्यू है आपकी मेमोरी के किसी ब्लॉक में जाके स्टोर्ड हो गई, देखिए, और जिस ब्लॉक में स्टोर्ड हो गई उस जिस मेमोरी के जिस लोकेशन पे वो स्टोर्ड हो गई उसका नाम क्या दे दिया आपने, वेरिएबल का नाम जो आपने रखा हुआ एज। अब इधर जो मैं एड्रेस की बात कर रहा था ऊपर कि अब ये देखिए नीचे लिखा हुआ 202530, ये आपका क्या उस मेमोरी का एड्रेस है, मतलब कि मेमोरी के जिस ब्लॉक में वो वैल्यू आपकी स्टोर्ड है उस ब्लॉक का ये एड्रेस है। अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो किसी का एड्रेस है तो उसने कहा कि मेरी लोकेशन लखन कॉलोनी है और मेरे घर का एड्रेस ये है कि मकान नंबर 290 और नेम और डेट, तो वो क्या हो जाएगा आपका एड्रेस हो जाएगा। तो सेम थिंग इन द केस ऑफ वेरिएबल, ये वैल्यू आपकी 15 स्टोर्ड हुई मेमोरी के किसी ब्लॉक में, अब ये लोकेशन है कि आपकी मेमोरी के किस लोकेशन पे वो वैल्यू आपकी स्टोर्ड है, और दिस इज द पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी ब्लॉक, जिस मेमोरी ब्लॉक में वो वैल्यू आपकी स्टोर्ड हुई। तो ये आपका देखिए ये आपका जो दूसरी लैंग्वेज में किस तरह से आपका स्टोर्ड होता है। अब आपने सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, सेकेंड स्टेटमेंट में आपने लिखा हुआ था एज इज इक्वल टू 20, मतलब आपने क्या हुआ आप पहले 15 वैल्यू आप स्टोर कर रहे थे वेरिएबल एज में, अब आप क्या कर रहे हो कि 20 वैल्यू आप उसी वेरिएबल में आप स्टोर कर रहे हो, वैल्यू चेंज कर दिया आपने। अब देखिए दूसरी लैंग्वेज में क्या होगा, अब स्टेटमेंट आपने लिखा एज इज इक्वल टू 20, अब दूसरे में क्या होगा आपका कि जो आपने वैल्यू क्या कर दी चेंज कर दी एज की 20 भी आपकी मेमोरी में आपकी स्टोर्ड हुई किसी दूसरी जगह स्टोर्ड हुई मेमोरी पे। अब ये देखिए पहले एज आपने 15 वैल्यू रखी थी तो मेमोरी का एड्रेस देखिए क्या हुई आपका 530, फिर आपने क्या कि एज की वैल्यू आपने 20 कर दी तो आपकी देखो वैल्यू आपकी उसी मेमोरी ब्लॉक में आपकी दूसरी वैल्यू चली गई 20, लोकेशन आपकी वही रही, एड्रेस भी आपका क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, मतलब प्रीवियस जो वैल्यू थी वो आपकी हट गई उस लोकेशन से और एज की वैल्यू आपने 20 कर दी है तो आपकी 20 वैल्यू उसी एड्रेस पे क्या हो जाएगी आपकी स्टोर हो जाएगी। तो इसमें देखिए ये जो हो रहा है पाइथन का नहीं बता रहा है, ये बता रहा है आपका जैसे दूसरी लैंग्वेजेज सी, सी प्लस प्लस, उस लैंग्वेज उन लैंग्वेजेज में इस तरह से वेरिएबल का क्या होगा आपका वैल्यू आपकी असाइन होगी। तो देखिए नीचे लिखा हुआ नाउ दिस स्टेटमेंट विल चेंज द कंटेंट ऑफ द लोकेशन वेयर वेरिएबल एज इज क्रिएटेड। उसने क्या किया दूसरे स्टेटमेंट ने क्या किया कि पहला जो कंटेंट था उसको क्या कर दिया चेंज कर दिया, अब उस जगह पे क्या हो गई आपकी 20 वैल्यू आपकी स्टोर्ड हो गई। विद दिस स्टेटमेंट द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल डिड नॉट चेंज ओनली द कंटेंट्स चेंज। इसमें क्या हुआ लोकेशन आपकी चेंज नहीं हुई, केवल क्या हुई आपकी उसका कंटेंट जो था 15 की जगह क्या आ गया आपका 20 हो गया। दिस इज हाउ ट्रेडिशनली वेरिएबल वेयर क्रिएटेड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा। ये किस तरह से होता है, ये चीज जो मैंने बताई आपको ये आपका होता है सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये जो अदर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है उसमें। अब पाइथन में किस तरह से आपका होता है देखिएगा, पाइथन हैंडल्स हैंडलिंग ऑफ वेरिएबल्स बट पाइथन डज दिस डिफरेंटली। पाइथन में दूसरी तरह से आपका होगा, देखिए Let us see how Python will do it. Python किस तरह से करेगा ये? Memory has literals or value at defined memory locations and each memory location has a memory address. अब ये मान लीजिए कोई एक example है, ये आपकी memory में जो blocks हैं उधर different values आपकी stored हैं, किसी block में 14, 15, 16, 17, हर block के different आपके address आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया हुआ था, व्हेन यू गिव स्टेटमेंट एज इज इक्वल टू 15, जब वो आपने ऊपर एज की वैल्यू 15 ली थी तो वेरिएबल एज विल बी क्रिएटेड एज ए लेवल पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन। अब देखिए पहले स्टेटमेंट आपने एज इज इक्वल टू 15 लिया हुआ था, ये आपकी मान लीजिए 15 वैल्यू आपकी ये है,
अब ये जो आपका ये एज जो है आपने वेरिएबल नेम दिया हुआ था, वो आपको क्या करेगा, इस लोकेशन को रिफर करेगा। ठीक है, एज नाउ रेफरिंग टू लोकेशन 20216, इस लोकेशन को रिफर करेगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, वैल्यू चेंज करी, आपने एज इक्वल टू 20 ली। अब एज इक्वल टू 20 ली तो आपने क्या हुआ, आपका जो आपने वेरिएबल लिया हुआ था, अब देखिए इसमें क्या हुआ, नाउ एज इज रेफरिंग टू लोकेशन, अब एज जो है 20 इधर आपने ले लिया, तो 20 आपको क्या, अब एज वेरिएबल किसी दूसरे लोकेशन को क्या करेगा, आपका रेफर करेगा। अब ऊपर वाले में क्या था कि सेम लोकेशन पे वैल्यू उसकी चेंज हो रही थी, इसमें आपने देखिए इसमें आपका 15 थी, फिर बाद में हमने क्या करी थी, 20 करी थी, तो उसने क्या किया, इसी लोकेशन पे इसी एड्रेस पे इस कंटेंट को हटा के आपने इसमें दूसरी वैल्यू उसी लोकेशन पे उसने क्या कर दी थी, स्टोर कर दी थी। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं, पाइथन में पहले एज की वैल्यू 15 ली, तो पहले ये जो आपका लेवल लिया एज, इसको आपको रिफर कर रहा है इस एड्रेस को, फिर आपने वैल्यू उसकी एज की वैल्यू 20 रह दे दी, तो उसने क्या किया, फिर जो आपका एज जो आपका लेवल है इस 20 वेरिएबल इस लोकेशन पे आपकी स्टोर्ड हुई, उसका एड्रेस देखिए चेंज, उसमें आपका सेम एड्रेस था, इसमें आपका डिफरेंट है। तो नाउ एज इज रेफरिंग टू लोकेशन, अब 20296 को रेफर कर रहा है, पहले रेफर कर रहा था 20216 को, लेकिन आपका अदर लैंग्वेज में आपका सेम लोकेशन को क्या करेगा, वो रेफर करेगा। तो ये आपका क्या है, थोड़ा डिफरेंस है आपका पाइथन और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में। नाउ स्टूडेंट्स, एल वैल्यूज एंड आर वैल्यूज क्या होती है आपकी, एल वैल्यूज एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट एंड आर वैल्यू आर एच एस राइट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट। जैसे एक एग्जाम्पल है, एज इक्वल टू 20, तो एज इक्वल टू 20 मतलब एल वैल्यू, एल वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्सप्रेशन दैट कैन कम ऑन द एल एच एस, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये आपका हुआ ए, और राइट हैंड साइड में क्या हुआ आपका 20 हुआ। ठीक है, असाइनमेंट क्या हुआ आपका, ये इक्वल लगा हुआ ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपका कहलाता है, तो असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में जो चीज है वो आपका एल वैल्यू कहलाएगी, और इस असाइनमेंट के राइट साइड में जो वैल्यू है वो आपकी क्या कहलाएगी, आर वैल्यू। तो ए इक्वल टू 20 में एल वैल्यू क्या है आपकी, ए, आर वैल्यू 20, बी इक्वल टू 10 में एल वैल्यू आपकी बी एंड आर वैल्यू 10। बट यू कैन नॉट से, इस तरह से आप नहीं लिख सकते, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 20 इक्वल टू ए, तो 20 इक्वल टू आप ए इक्वल टू 20 तो करेक्ट है, लेकिन 20 इक्वल टू ए लिखेंगे तो वो आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। इस तरह से आपकी ए असाइन नहीं होगा, वैल्यू आपकी क्या होती है आपकी, जैसे ये वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर असाइन होती है। अब नीचे लिख रहा है 20 इक्वल टू ए, ये आपका वेरिएबल के अंदर वेरिएबल असाइन हो रहा है वैल्यू में, तो इस तरह से स्टेटमेंट अगर आप देंगे तो उसमें क्या आ जाएगी, आपकी प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो 20 इक्वल टू ए रॉन्ग है आपका, ए इक्वल टू 20 विल बी करेक्ट, 10 इक्वल टू बी इज रॉन्ग, बी इक्वल टू 10 विल बी करेक्ट। अब जैसे आपको लिखना है कि c इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी, आप सोचो कि मैं लिख दूं ए प्लस बी इक्वल टू सी, दैट विल बी इनकरेक्ट। जैसे इसमें लिखा हो ए इंटू टू इक्वल टू बी, दिस इज इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप एल वैल्यू और आर वैल्यूज आपको समझ में आ गया होगा, और वेरिएबल को किस तरह से हम असाइन करते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट्स, व्हाट आर द मल्टीपल असाइनमेंट्स, मल्टीपल असाइनमेंट्स में आपका जैसे असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब मान लीजिए आपको ए बी और सी की वैल्यू, मान लीजिए सेम वैल्यू लेना है कि एक ए इक्वल टू 10, फिर आपने लिखा बी इक्वल टू 10, फिर आपने लिखा सी इक्वल टू 10, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन में उसको आप पाइथन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, मीन्स क्या हुआ, ए की वैल्यू 10 भी होगी, बी की वैल्यू 10 होगी एंड सी की वैल्यू भी आपकी 10 होगी, एक ही लाइन में आप लिख देंगे, आपको मल्टीपल लाइन लिखने की जरूरत नहीं। असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, अब मान लीजिए आपको अलग अलग वैल्यूज लेनी है, तो उसके भी उसलिए उसको भी आप क्या कर सकते हैं, एक ही सिंगल लाइन में आप दे सकते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 10, 20, 30, मीन्स एक्स की वैल्यू 10 होगी, वाई की 20 होगी एंड जेड की 30 होगी। इट विल असाइन द वैल्यूज ऑर्डर वाइज, ऑर्डर वाइज का मतलब पहले x की वैल्यू 10 असाइन होगी, यानी 10 वैल्यू पहले x में जाएगी, फिर 20 वैल्यू आपकी y में एंड 30 आपकी z में, लिखा हुआ ना, इट विल असाइन द वैल्यूज ऑर्डर वाइज। ठीक,
एक कोड नीचे दिया गया है, इसको देखिए जरा, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 20, 50, वही एग्जाम्पल है ऊपर, और प्रिंट करा रहा है किसकी, एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। तो मैंने बोला पहले आपकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी आपके असाइन होगी, यानी 25 पहले एक्स में आपकी जाएगी और 50 कहाँ जाएगी, वाई में। तो प्रिंट करा रहा है एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू, पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी 25 और वाई की वैल्यू। अब इस पे देखिए, बिकॉज एक्स एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, अब इसने लिखा एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। अब वाई की वैल्यू क्या है इधर, 50 है, तो वाई की वैल्यू देखिए, वाई की वैल्यू पहले एक्स में गई क्या होगी, 50 हो गई, और एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, एक्स की वैल्यू 25 थी, तो 25 आपकी वाई में आपकी असाइन होगी। अब प्रिंट करा रहा है एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी, वाई की वैल्यू आपकी 50 थी, 50 एक्स में गई, तो क्या प्रिंट हो गया 50। फिर वाई को प्रिंट करा रहा है तो एक्स की वैल्यू वाई में जाएगी, तो 25। ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होगी, वैल्यूज आपकी असाइन होगी। एक नीचे और देखिए आप, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी की थ्री वैल्यूज आपकी दी गई है, 5, 10, 7, और बी सी ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, बी प्लस 2 एंड सी माइनस ए। अब ए प्लस 1, ए प्लस ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6, 6 की आपकी वैल्यू कहाँ गई, बी में। फिर बी प्लस 2, बी की वैल्यू कितनी है इधर, 10, 10 प्लस 2 12, 12 आपकी कहाँ जाएगी, सी के अंदर जाएगी। फिर आपका है सी माइनस 1, सी की वैल्यू आपकी 7 है, 7 माइनस 1 6 हो गई। अब प्रिंट किसकी वैल्यू करा रहा है, ए बी सी की। अब इधर से आप देख लीजिए कि ए के अंदर कौन सी वैल्यू गई, बी के अंदर क्या गई, सी के अंदर की गई। स्टेटमेंट असाइंस 5, 10 एंड 7 क्या जाएगी आपकी, स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 में 5, 10 और 7 ए बी सी में गई आपकी, और स्टेटमेंट 2 ये है, स्टेटमेंट में 2 में आपकी ये आपकी वैल्यू इस तरह से असाइन होगी। तो आपका आउटपुट क्या होगा, 6, 6 एंड 12। आप चेक कर लीजिएगा इसको, आप किस तरह से वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। नीचे भी आपका एक कोड दिया गया है, पी और क्यू की वैल्यू 3, 5, यानी पी की वैल्यू 3 एंड क्यू की वैल्यू 5, क्यू कॉमा आर इज इक्वल टू पी माइनस 2 एंड पी प्लस 2। तो अब इस पे देखिएगा आप, पी माइनस 2, पी की वैल्यू कितनी है आपकी 3, 3 माइनस 2 कितना हुआ आपका 1, 1 आपका कहाँ गया, क्यू के अंदर गया, इधर गया पी प्लस 2, तो पी प्लस 2 का मतलब पी की वैल्यू कितनी थी 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया आपका 5, 5 आर में गया। अब प्रिंट किसको करा रहा है, पी क्यू आर को आपको प्रिंट करा रहा है। अब देखिए, प्लीज नोट द एक्सप्रेशंस सेपरेटेड विथ कॉमा आर इवेल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड असाइन इन द सेम ऑर्डर विथ कॉमाज आर इवेल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपकी वैल्यू आपकी असाइन होगी। इसको आप करके देखिएगा कंप्यूटर में क्या वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। इसी तरह से नीचे आपका एक्स की वैल्यू 10 है, वाई कॉमा वाई ये सब दिया गया आपका, इसको भी आप करके देखिएगा। पहले अपने मन से आप निकालिएगा क्या वैल्यू जाएंगी, फिर उसको आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में आपका करिएगा चेक करेंगे, इसको भी आप करिएगा इस वाले एग्जाम्पल को। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।